आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे MIUI 13 के बारे में। जी हाँ, अभी तक आपको MIUI 12 कम्प्लीटली बहुत सारे डिवाइस में सही से देखने को नहीं मिला है, बट MIUI 13 जो है वो अनाउंसमेंट हो रहा है। अनऑफिशियली एक लिस्ट है जिसे आप ऑफिशियली भी बोल सकते हैं, क्यों बोल सकते हैं वो भी मैं आज के इस वीडियो में क्लियर करूंगा। तो चैनल पे नए आए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो कहीं से भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। सबसे पहले आपको आना है मेरे टेलीग्राम ग्रुप के चैनल पे, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं एक मैंने लिस्ट यहाँ पे पब्लिक किया था, और ऐसे टाइप के लिस्ट के ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, चाहे वो एंड्रॉयड 12 हो या एंड्रॉयड 11 हो, कौन कौन से डिवाइस को अपडेट वगैरह मिलेगा। तो ये जो लिस्ट है 99.9% करेक्ट रहता है, 1% का चांस रहता है, 0.1% का चांस रहता है कि ये इनकरेक्ट हो। जी हाँ, ये सच है। और इसमें बहुत सारा डिवाइस मेंशन किया गया और बहुत सारा डिवाइस मेंशन नहीं किया गया, वो सभी चीज़ मैं अभी क्लियर करूंगा, और कौन कौन से डिवाइस में मिलेगा नहीं मिलेगा सभी चीज़ अभी आपको क्लियर कर दूंगा। तो सबसे पहले बात किया जाए यहाँ पे रेडमी के डिवाइस की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रेडमी नोट 8 से लेकर ऊपर जितने भी डिवाइस वो सभी को यहाँ पे MIUI 13 का जो अपडेट है वो देखने को मिलेगा। जैसे कि आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं यहाँ पे टॉप में जो लिखा हुआ है MIUI 13 यहाँ पे एलिजिबल लिस्ट, तो ये जो लिस्ट है 99.9% करेक्ट है, और ये मैं भी मानता हूँ क्योंकि इससे पहले भी मैंने बहुत सारा ऐसा लिस्ट के ऊपर वीडियो बनाया है जो कि 100% करेक्ट हो चुका था। बात किया जाए रेडमी के डिवाइस को, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रेडमी नोट 8, 8T, 8 प्रो और भी बहुत सारे यहाँ पे आपको डिवाइस देखने को मिलेगा। 9 सीरीज की बात किया जाए तो 9A, 9AT, 9i, 9 प्राइम सभी डिवाइस को यहाँ पे देखने को मिलेगा डाउनग्रेड। अब आप में से बहुत सारे यूजर्स ऐसे हैं जो रेडमी 8 को यूज़ करते हैं, नोट 8 नहीं ऑनली रेडमी 8, तो हो सकता है उसको देखने को मिलेगा MIUI 13। बट यहाँ पे जो रेडमी नोट 7 सीरीज है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही डिवाइस आ सकता है जो है रेडमी नोट 7 प्रो। वो थोड़ा हाईली डिवाइस है जो बहुत ज़्यादा बजट में रिलीज किया गया था, इसीलिए हो सकता है उसमें आपको देखने को मिल जाए। बात किया जाए पोको सीरीज की फ़ोन, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पोको सीरीज का फ़ोन में भी आपको कौन कौन से डिवाइस में देखने को मिलता है। पोको C3 के ऊपर जितने भी डिवाइस वो सभी में आपको यहाँ पे MIUI 13 का जो अपडेट है वो देखने को मिल सकता है। ब्लैक शार्क भी यहाँ पे मेंशन है, 3, 3 प्रो, 3S और ब्लैक शार्क 4 एंड 4 प्रो में भी आपको MIUI 13 देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे बात किया जाए MI सीरीज, जी हाँ Xiaomi के टोटल सब ब्रांड 3 है, रेडमी, पोको, Xiaomi। अगर नहीं पता था तो आज मैंने क्लियर कर दिया आप सभी को। तो सबसे पहले बात किया जाए यहाँ पे MI का, तो यहाँ पे देख सकते हैं MI 9, 9 Pro, 9 Pro 5G, 9E। उसके बाद और भी बहुत सारा डिवाइस है जिसमें आता है अभी जो लेटेस्ट मॉडल चल रहा है Mi Mix X Pro, Mi Mix X, इस सब डिवाइस में भी आपको देखने को मिलता है। तो ये जो लिस्ट है 99.9% करेक्ट है, और मैं इस हिसाब से बोलना चाहूँगा कि आपको आगे जाके MIUI 13 का जो अपडेट है इन सब डिवाइस में डेफिनेटली मिलेगा। बात रही दो डिवाइस जो मैंने कहा कि Redmi Note 7 Pro और Redmi 8, यूजर्स को 99% चांस है कि मिल सकता है क्योंकि डिवाइस ज़्यादा ओल्ड नहीं है, और एक अपडेट और मिल सकता है MIUI वाला जो कि MIUI 13 का होगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही, आगे और भी इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो कहीं से भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, साथ में लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।